ससुराल नहीं जाओगे तुम अपने? मैं मारूंगी मुक्का। ओ मंगलम भगवान विष्णु, ओ मंगलम भगवान विष्णु, ओ मंगलम ऐसी दस्कारे आए भगवान विष्णु। सो हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू रोहितन सोनी ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4:30 बजे से। अभी आधे घंटे पहले ही ब्लॉग अपलोड किया एंड अब से हमारे ब्लॉग की जो टाइमिंग है वो है 4 PM। तो हर इवनिंग को 4 PM पे चेक कर लेना गाइस, ब्लॉग अपलोड मिलेगा आपको। और यहाँ पर चेक करिए, दीदी ने ले ली एक और गाड़ी, एक तो क्रेटा थी और ये भी ले ली है। भाई कितना पैसा है दीदी? इनकम टैक्स का छापा मारना पड़ेगा आपके घर में। टाइल्स के नीचे ही पैसा है बोल रहा है। तो गाइस देखो, दीदी के घर में इतनी सारी गाड़ियाँ, एक क्रेटा, एक ये, और इन टाइल्स के अंदर ही पैसा है, खेत के अंदर ही पैसा है। तो गाइस फिलहाल दीदी की एक और गाड़ी आ चुकी है, तो कांग्रेचुलेशंस दीदी सो मच। यहाँ पर दीदी ने ले रखी है एक होंडा की अमेज, आई थिंक चेक करते हैं। वो तो UQ07 नंबर की है, बट दिस इज ऑफ HP और होंडा की अमेज है ये। तो एक्चुअली दीदी को थोड़ा क्रेटा चलाने प्रॉब्लम हो रही थी, तो भैया ने उनको अमेज गिफ्ट कर रखी है। तो गाइस दीदी बना रही है प्लान। दीदी क्या प्लान बना रहे हो? हम जा रहे हैं घूमने ऋषिकेश। तो दीदी ने दो दो गाड़ियां ले ली है, ये वाली गाड़ी और चलते हैं, बहुत बार चले गए ऋषिकेश। तो दीदी थोड़ी गई है, तो तुम अपना क्यों देख रहे हो? डियर पार्क चलते, डियर पार्क तो मसूरी रोड पे, मसूरी रोड। तो डियर पार्क में इनको भी छोड़ के आ जाना एक एक पिंजरे के अंदर इन सबको। रामनगर, रामनगर। आप गाइस कौन सी गाड़ी पे जाना चाहेंगे, इस होंडा अमेज में या क्रेटा में, या फिर स्कूटी है भाई कारन 5? भाई मुझे तो स्कूटी इतनी दूर मैं नहीं चला सकती। तो गाइस एक्चुअली दीदी इज मेकिंग प्लान, क्योंकि दीदी लोग कब से घूमने नहीं गए और बच्चों की पड़ी है छुट्टी, और दीदी ने ले ली एक होंडा की अमेज। तो देखते हैं कौन सी गाड़ी में जाते हैं। तो फिलहाल अभी ये लोग प्लान करेंगे। तुम कहाँ जाना चाहते हो? रामनगर। रामनगर नैनीताल? तो वहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क घूमोगे। तुम कहाँ जाना चाहते हो? कोटा बाग। भाई ये तो मेरे ही घर जाना चाहते हैं। सही है यार, मैं ले जाऊँगा तुम्हें, ठीक है ले जाऊँगा। सोनू तुम कहाँ जाना चाहते? चलो चलो भाई, दीदी भी आ गई है। दीदी से पूछते आप कहाँ जाना चाहते हो? मेरा घर होगा यहाँ से कितना होगा सोनू? 250 किलोमीटर होगा। मुझे क्या पता, 250 तक होगा। गिरी में कैसे जाऊंगी कोटा बाग? नहीं क्यों नहीं जाएगी, किसे ले जाएंगे? अरे इसको शर्मा मत यार। अरे ससुराल नहीं जाओगे तुम अपने? मैं मारूंगी मुक्का। भाई ये तीनों के तीन मेरे घर जाने को तैयार है। कोई नहीं यार, मैं ले जाऊंगा। मैं तो नहीं हूँ तैयार गाइस अभी। तो इसको हम रास्ते में छोड़ देंगे, वही किसी होटल में स्टे करा देंगे। चोरपानी पता है इसके घर का नाम क्या? चोरपानी। इसके घर वाले ना पानी चोरते हैं। पानी जगह का नाम है, जगह का नाम है चोरपानी। अब पूछ तो लो, चोरपानी नाम क्यों रखा है चोरपानी? वहाँ ना उस जगह में पहले ऐसा बोलते थे कि वहाँ ना पानी थोड़ी होती थी, वहाँ इतना था मतलब कि वहाँ पानी भी चोरते थे, पानी की कमी थी। इन्होंने 2 मिनट में ना पूरी जगह घूम ली उत्तराखंड की, इतने नाम ले लिए इन्होंने एक ही मिनट में। एक्चुअली गाइस क्या सीन है ना, सोनू मेरे रोज कपड़े पहनती है, कभी कहती है अपनी वाली टी शर्ट दे दो, वाली टी शर्ट दे दो। आज मैंने इसकी टी शर्ट पहन रखी है। मेरी टी शर्ट पहनी ना, आज सब बराबर हुआ, सब बराबर। अच्छा अच्छा प्लान बनाओ, कहाँ घूमने जाएंगे, व्लॉग भी मस्त बनेगा और एक ट्रिप भी जाएगी बढ़िया सी। सोच रहा हूँ तुम ना चलते ना, तुम ना दिस वेरी फार अवे आई थिंक सो। दीदी से पूछो ना, दीदी भी बात करेगी ना। तुंग तुंग बज, तुंग तुंग बज। तुंगनाथ के बारे में यह है कि वो शिव जी की सबसे ऊंचा मंदिर है तुंगनाथ। सो गाइस अब इनका हो चुका है मूड ऑफ, पता नहीं क्यों मूड ऑफ हो रखा है तीनों का। सेमू भाई कहाँ जाना चाहते हो? सेमू तुम सपनों में पहुंच रहा है, पता नहीं क्या क्या ख्यालों में है। क्या ख्याल करूं? तुम दोनों कहाँ पहुँच गए? तुंगनाथ। और तुम? मैं तो कहीं नहीं हूँ। कहीं नहीं हूँ, रामनगर नहीं जा रहा? दीदी पता नहीं कहाँ खो रही है, मैं रास्ते में हूँ। भाई सब ट्रिप पे निकल चुके हैं, मैं ही हूँ बस। ठंडा है अभी, राफ्टिंग अभी तो ज्यादा हो रही है दिन में, आजकल धूप है। नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ रिवर राफ्टिंग, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं भाई। अपनी मैं इनके साथ ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ। नई जगह बताओ। अब दीदी जा रही गोवा। सो गाइस यहाँ पर दो लोग और आ चुके हैं, और आप कहाँ जाओगे? गोवा। ओ भाई ये तो गोवा के लिए तैयार हो क्या रखी। नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है छोटू? आपका नाम क्या है? लवी। लवी नाम है आपका? ये दीदी के क्लासमेट है। अबे हाँ यार, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो गाइस आप लोग कहाँ जाओगे बताओ, अपनी कोई ऐसी प्लेस बताओ जहाँ आप जाना चाहते हो। मुंबई। ओ माय गॉड, बीच पे। तुम कहाँ जाना चाहते हो? गोवा वाले बीच पे। गाइज ये वही है जो आप देख रहे थे ना, गांव वाली जो औरतें होती हैं, बट आज देखो ये लग रही गांव वाली, ये लग रही मॉडर्न। भाई दीदी हेडफोन लगा के। सो गाइज हेयर इज काना, और भाई के लग गई है चोट, तो अभी हम इसे वॉश कर रहे हैं। तो पता नहीं शायद इसने खुजली कराई, क्योंकि यहाँ पर पहले से चोट लगी हुई थी,
बट ब्लीडिंग ब्लीडिंग आ गई थी, तो यहाँ पर इलाज चल रहा है। इतने सारे डॉक्टर हैं गाइस, देखो एक डॉक्टर ही है, एक डॉक्टर ही है और ये इसकी बहन है, ये तो स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर अपेक्षा नेगी बन जाओ फ्यूचर। सर्जन आश्रय नेगी गुड। आप क्या हो डॉक्टर? आप क्या हो डॉक्टर? इंजीनियर हो? फौजी। फौजी? ओ भाई देश की सेवा तो आप ही करोगे है ना भैया। यही बोल रहा था कि आप अगर आपके बेस्ट फ्रेंड है तो उसे चॉकलेट दे दो। अभी तक हम सोच रहे थे कि दीदी हमें भी ले जाएगी घुमाने, बट यहाँ पर दीदी अकेले अकेले जा रही है सोनी को लेके। हम तो दुश्मन है ना दीदी के। गाइस ये जा रही है सोनू, मतलब ऐसी बात हो गई दीदी। अबे यार ऐसी तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। भाई पूरी टीम जा रही है पीछे से, देखो ये। भाई मेरे को भी शर्म आ रही है भाई, तब से मैं प्लान बना रहा था इन लोगों के साथ मिलके, बट क्या करें। सो गाइस फाइनली न्यू कार आ चुकी है और अपेक्षा कर रही है कार की पूजा। ओ मंगलम भगवान है विष्णु, ओ मंगलम भगवान है विष्णु, ओ मंगलम ऐसी दस्कारे आए भगवान है विष्णु, ओ मंगलम भगवान है विष्णु। सबको बधाइयाँ कार की, सबसे ज़्यादा बधाइयाँ मुझे और अपेक्षा और सहमू को। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ अपने कमरे पे एंड सोनू भी चली गई है, तो मुझे अब खाना वाना बनाने की तैयारी करनी है एंड टुमारो वी आर गोइंग ऋषिकेश। तो कल का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आने वाला है गाइस। कल ना और दिन मैं सोनू जाते थे, बट दिस टाइम वी आर गोइंग होल फैमिली गाइज, मतलब देहरादून की फैमिली जा रही है पूरी, दीदी मैं दीदी के बच्चे, क्योंकि बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए थे एंड कल हम कार से जा रहे हैं और जिन स्कूटी से जाते थे। तो इस ट्रिप में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है गाइज, ये ट्रिप नेक्स्ट लेवल होने वाली है क्योंकि वी आर गोइंग इन द ग्रुप। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं, होप्स हो कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया गाइज। बी सेफ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल। बाय गाइज।